अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी नायतुल्ला खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर होंगे। अगर खैर से है तो सबसे पहले जाकर माय चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लेते हैं अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जाए आलू गोश्त। चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। डेढ़ किलो चिकन लिया हमने, टमाटर और आलू इस शेप में हमने कट किए, ये है प्याज, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट हमने तैयार किया। हमने लिया चाइनीज साल्ट, सालन मसाला, साल्ट, सूखा धनिया, गरम मसाला, हल्दी और ज़ीरा। चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हम इसको आग पे पकाएंगे। हमने ऑयल गरम कर लिया। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। कितना खूबसूरत मौसम हुआ है यहाँ पे, काले बादल छाए हुए हैं। प्याज फ्राई हो चुके, आप देख सकते हैं। हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसको भी हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। साथ ही हम हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। चिकन फ्राई हो चुके, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें सारे मसालों को ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें आलू डालेंगे और इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। ये मेरी नानी की स्पेशल रेसिपी आपके लिए। इसको थोड़ी देर के लिए हम दम पे रखेंगे। आप मेरे लिए नानी के लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मुझे कमेंट में ज़रूर रिप्लाई भेजना। सालन की अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको वाटर ऐड करेंगे। वाटर इसमें हमने ऐड कर दिए, आप देख सकते हैं। अब हम इसको दम पे रख देंगे। माशाल्लाह गांव में इस तरह चपातियाँ बन गई, आप देख सकते हैं कितने मज़े की है।
और कितनी बड़ी बड़ी है। इसको हमने पलट दिया। हमारी चपाती तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। हमारा आलू गोश्त का सालन रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कितने मजे का लग रहा है। आप सोचे कि आग पे पका हुआ सालन कितने मजे का लगता होगा। अब हम इसको प्लेट में डालेंगे। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में शामिल रखिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।